वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सो देखते हैं क्या है चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, हमने दो चैप्टर बायोलॉजी में ख़त्म कर दिया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। सो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। क्या है स्टूडेंट्स? एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप को उस चैप्टर का एम समझना है, उस चैप्टर का नाम का मीनिंग समझना है कि क्या क्या दिया है उस चैप्टर में, उसके नाम से क्या दिया है उस चैप्टर में। चैप्टर के नाम से ही आपको चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स। क्या होने वाला है चैप्टर में, क्या हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, क्यों हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में ये, और क्यों हमें ये चैप्टर दिया गया है स्टूडेंट्स। सो ये सब आपको मालूम होना ज़रूरी है, पता होना ज़रूरी है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस। क्या है स्टूडेंट्स? एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शंस। नाम से क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स? एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन मतलब हम अपने फूड प्रोडक्शंस को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? फूड प्रोडक्शंस को हम इंक्रीज करेंगे। सो फूड प्रोडक्शंस को हम इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमें इंक्रीज करने की फूड प्रोडक्शंस को? नहीं इंक्रीज किया तो क्या होगा? सो स्टूडेंट्स क्या होता है ना, पहले के टाइम में जो पॉपुलेशन था वो क्या था? कम था। क्या था स्टूडेंट्स? वो कम था। बट जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे पॉपुलेशन क्या हो गया? इंक्रीज होते गया। क्या होते गया? इंक्रीज होते जा रहा है। सो उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, क्या करने के लिए स्टूडेंट्स? उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें फूड का प्रोडक्शंस भी तो बढ़ाना पड़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए ना फूड का। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? फूड का प्रोडक्शंस बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? फूड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ज़रूरी है ना स्टूडेंट्स, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन को फीड भी करना पड़ेगा। पॉपुलेशन को फीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फूड प्रोडक्शंस बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? फूड प्रोडक्शंस बढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो लेसन स्टार्ट करने से पहले फूड को समझना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फूड हम क्यों लेते हैं, क्या ज़रूरी है हमें फूड में? सो फूड हम क्यों लेते हैं ज़रूरी समझना है। ह्यूमंस की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको क्या करता है? उन सबको एनर्जी लगता है स्टूडेंट्स। क्या लगता है? जिंदा रहने के लिए उन सबको एनर्जीज लगता है। एक्टिविटीज़ करने के लिए, रोज की एक्टिविटीज़ करने के लिए उन्हें क्या लगता है? एनर्जी लगता है। तो वो एनर्जी किधर से मिलता है उन्हें? वो एनर्जी किधर से मिलेगा? वो एनर्जी मिलेगा उन्हें फूड से। किससे मिलेगा उन्हें? फूड से। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग टाइप का फूड है। कैसा स्टूडेंट्स? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग टाइप का फूड होगा। सो आज हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की तो बात नहीं करेंगे, हम ह्यूमंस है तो हम ह्यूमन रिलेटेड ही थिंग्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो ह्यूमंस का बात करते हैं तो ह्यूमंस कौन कौन से फूड खाते हैं? ह्यूमंस कौन कौन से फूड खाते हैं? तो ह्यूमंस मिल्क लेते हैं स्टूडेंट्स, मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, सीरल्स, दाल्स, ग्रेन्स, मीट, एग, मशरूम, राइस, व्हीट, जो भी है ये ह्यूमंस खाते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं? ये ह्यूमंस खाते हैं। सो इतना सारा जो फूड है, इतना जो फूड मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या कर रहे हैं? ये ह्यूमंस का फूड है। क्या है स्टूडेंट्स? ये पूरा क्या है? ह्यूमंस का फूड है। सो अब यहाँ से हमें क्या समझ रहा है स्टूडेंट्स? जो ह्यूमंस का फूड होगा उससे ही हमें इंक्रीज करना है। क्या करना है? जो ह्यूमंस का फूड है उसे हमें इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करना है? क्योंकि ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ह्यूमंस के फूड को भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ना स्टूडेंट्स। सो इसलिए आज हम वो चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हम ह्यूमंस के फूड को कैसे इंक्रीज करेंगे, ह्यूमंस के फूड को हम कैसे इंक्रीज करेंगे, क्या ऐसा तरीका है कि हम ये सारे फूड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर दें ताकि हम अपने पॉपुलेशन को फीड कर पाएं। तो आपको ये लेसन क्यों दिया है स्टूडेंट्स? आपको ये लेसन क्यों दिया? आप अभी 12th में हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये लेसन क्यों दिया गया है? तो आपको ये समझने के लिए दिया गया है कि कैसे फूड का प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं। आप सोचेंगे स्टूडेंट्स, आप न्यू जनरेशन है, आप नेक्स्ट जनरेशन के बारे में न्यू आइडियाज सोच सकते हैं। इसलिए आपको ये 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर दिया गया है कि
और कौन से तरीके आप सोच लेंगे कि फूड का प्रोडक्शंस बढ़ जाए स्टूडेंट्स। सो इन शॉर्ट हम लोग को क्या पता चल रहा है, इन शॉर्ट हमको पता चला है कि ये सारे फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्या क्या है वो? मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स, दाल, ग्रेन, मीट, एग, मशरूम्स। तो इन सब का जो है प्रोडक्शंस बढ़ाना है। तो इसमें से जो आपको फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स, दाल, ग्रेन है वो क्या है, ये हमें किससे मिलने वाला है? ये हमें प्लांट से मिलने वाला है। किससे मिलने वाला है? प्लांट से मिलने वाला है। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, इन शॉर्ट हमें प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ाना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? ये सब कहाँ से मिल रहा है हमें? फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स, दाल, ग्रेन्स कहाँ से मिल रहा है? ये हमें इनडायरेक्टली प्लांट, डायरेक्टली प्लांट से मिल रहा है। मतलब हम क्या, हम प्लांट्स पे डिपेंड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? प्लांट्स पे डिपेंड हो रहे हैं। मतलब हमें प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, या तो प्लांट में इन सब का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम फूड का प्रोडक्शंस इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड स्टूडेंट्स, मीट, एग, मिल्क। तो जो मीट, एग, मिल है वो कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? ये सब हमें मिलता है एनिमल्स से। कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से। इसका मतलब क्या है? या तो हम एनिमल्स को बढ़ाएं, या तो एनिमल्स में इन सब चीज़ों को बढ़ाएं, मिल्स, मीट और एग को बढ़ाएं एनिमल्स में, तो ये हो सकता है स्टूडेंट्स। अभी एक और चीज़ है, मशरूम। तो मशरूम्स क्या होते हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंगाई होते हैं, फंगाई में आता है ना मशरूम्स। तो मशरूम्स भी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, तो बहुत सारे लोग मशरूम भी खाते हैं स्टूडेंट्स। सो मशरूम्स को भी बढ़ाना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्या करना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या समझ रहा है कि या तो हमें प्लांट्स को बढ़ाना है, या तो प्लांट्स में इन सब चीज़ों को बढ़ाना है, फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल, दाल, ग्रेन्स को, या तो हमें मिल्क, मीट या एग को बढ़ाना है, या तो मिल्क, मीट, एग प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स को बढ़ाना है स्टूडेंट्स, या तो हमें फंगाई को बढ़ाना है, या तो इसका प्रोडक्शंस ज़्यादा कराना है, माइक्रोब्स का प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना है। तो ये सब का रिजल्ट क्या होगा? ये सब का रिजल्ट होगा हमारे फूड प्रोडक्शंस में इंक्रीमेंट। क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे फूड प्रोडक्शन में क्या होगा? इंक्रीमेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। सो इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे कौन कौन से मेथड हैं स्टूडेंट्स, ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिनके वजह से हमारा फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या होगा? जिनके वजह से हमारा फूड का प्रोडक्शंस बढ़ेगा। तो ऐसे इस चैप्टर में 5 मेथड दिए गए हैं जिनके वजह से हमारा फूड का प्रोडक्शंस बढ़ रहा है स्टूडेंट्स। क्या है? हमारे फूड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो पहला है एनिमल हस्बेंड्री। क्या है स्टूडेंट्स? पहला एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब हम एनिमल्स को पालेंगे, एनिमल्स के ब्रीडिंग को मैनेज करेंगे हमारे खुद के फायदे के लिए, हमारे खुद के इंक्रीमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शंस के लिए स्टूडेंट्स। सो यहाँ से हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग मिलता है, इसलिए हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का मेथड है एक, जिससे हम अपने फूड प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड है प्लांट ब्रीडिंग। क्या स्टूडेंट्स? प्लांट ब्रीडिंग। मैंने पहली बोला था हमें प्लांट में फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल, दाल, ग्रेन्स को बढ़ाना है ताकि हम फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके। तो हम क्या करेंगे? प्लांट ब्रीडिंग एक मेथड होगा स्टूडेंट्स जिसके वजह से फूड प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तीसरा है टिश्यू कल्चर। अब मैंने बोला था या तो हम प्लांट का नंबर बढ़ा दें, या तो प्लांट में इनका नंबर बढ़ा दें, फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स, ग्रेन। तो टिश्यू कल्चर में हम क्या करेंगे? प्लांट का नंबर बढ़ाएंगे। प्लांट का नंबर कैसे बढ़ाएंगे? हम प्लांट के टिश्यू से नए नए प्लांट्स बनाएंगे। किससे? प्लांट के टिश्यूज को यूज करके नए नए प्लांट्स बनाएंगे। सिंगल सेल प्रोटीन्स। तो यहां पे अभी एक बात आती है, ये मॉडर्न फूड बोल सकते हैं इसे। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब एक ही सेल में आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। जब आप उसे इंटेक कर लेंगे तो उससे ही आपका जो न्यूट्रिएंट्स का नीड होगा वो पूरा हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिफ्थ है माइक्रोब्स। सो अब हम माइक्रोब्स का भी रोल देखेंगे कि किस तरह से माइक्रोब्स फूड प्रोडक्शंस के इंक्रीमेंट में हमें हेल्प करते हैं। माइक्रोब्स में मशरूम भी आता है क्योंकि मशरूम फंगाई है। क्या है? फंगाई है। तो ये 5 मेथड हैं हमारे इस चैप्टर में, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन एंड माइक्रोब्स। तो आपको सिर्फ एक ये 5 मेथड पढ़ना है जिसके वजह से फूड
फूड प्रोडक्शंस का इंक्रीमेंट होने वाला है हमारे करंट पॉपुलेशन के लिए। तो याद रखना है, हमारा एम है फूड प्रोडक्शंस को इंक्रीज करना। जब भी आप कोई भी टॉपिक इसमें पढ़ेंगे तो उसमें आपको ध्यान दे के समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फूड को प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने वाले हैं। इस एम के साथ आपको ये हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। हर एक टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, लेसन थोड़ा बड़ा है पर लेसन बहुत ज़्यादा इजी है। क्या है स्टूडेंट्स, लेसन बहुत ज़्यादा इजी है। समझने वाली बात इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है। अगर आप रीड भी करते हैं तो भी आपको समझ जाएगा कि क्या दिया गया है इसमें। सो लेसन थोड़ा बड़ा है बट बहुत ज़्यादा इजी है, आप रीड भी कर लेंगे तो भी आपको समझ जाएगा स्टूडेंट्स। सो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या है इस लेसन में और कैसे हम फूड का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। सो पहले देखते हैं स्टूडेंट्स एनिमल हस्बेंड्री। क्या स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री पहली बात तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है। किसमें इंक्लूड होता है एनिमल हस्बेंड्री? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में यूज होता है। ठीक है, हस्बेंड्री क्यों दिया है स्टूडेंट्स? एनिमल्स के हस्बैंड है हम? नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। हस्बैंड का एक्चुअल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले के टाइम में, अर्लियर टाइम में क्या होता था, हस्बैंड जो वर्ड होता था, हस्बैंड जो वर्ड होता था वो इसलिए कि ऐसे इंसान के लिए यूज होता था, ऐसे मेल्स के लिए यूज होता था, ऐसे आदमी के लिए यूज होता था जो अपनी फैमिली को फीड करता था, जो अपने फैमिली के लिए अर्न करता था, उसके जो अपने फैमिली में एक डिसीजन टेकिंग पर्सन होता था। तो वो पहले के टाइम में उसे लोग क्या बोलते थे, वो उस घर का हस्बैंड है। क्या बोलते थे? वो उस घर का हस्बैंड है। तो हस्बैंड वर्ड वहां से डिराइव हुआ। और पहले के लोग क्या थे, पहले के ज्यादा लोग फार्मर्स होते थे, तो हम फार्मर्स को क्या बोलते थे, हस्बैंड बोलते थे। क्या बोलते थे? जो पहले फार्मिंग करता था उसे हम हस्बैंड। तो यहाँ पे हम एनिमल्स की फार्मिंग कर रहे हैं, एक टाइप से क्या कर रहे हैं, एनिमल्स की फार्मिंग कर रहे हैं, इसलिए क्या बोला है, एनिमल हस्बेंड्री। क्या हुआ है? एनिमल हस्बेंड्री। तो समझना है कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है स्टूडेंट्स। सो एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, एनिमल्स को पालेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एनिमल्स को पालेंगे, एनिमल्स का ब्रीड करेंगे, एनिमल्स का ब्रीड करेंगे और एनिमल्स से बने हुए प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे, प्रोसेस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे पॉपुलेशन में, हमारे खुद के ह्यूमन प्रॉफिट के लिए। समझना है स्टूडेंट्स फिर से, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री मतलब मैं एनिमल्स को पालेंगे, एनिमल्स का ब्रीड करेंगे, एनिमल्स का जो प्रोडक्ट है उसे प्रोसेस करेंगे और उसे पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ह्यूमन प्रॉफिट के लिए। सो ये होता है एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या इंक्लूड होता है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या इंक्लूड होता है स्टूडेंट्स? सो एनिमल हस्बेंड्री में आता है पहली एनिमल ब्रीडिंग। क्या आता है स्टूडेंट्स? एनिमल ब्रीडिंग जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर आप एनिमल पालते हो तो एनिमल का डेवलपमेंट भी होना चाहिए और हमें अच्छा यील्ड भी मिलना चाहिए, हमें अच्छा उससे प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए। उसलिए हम क्या करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग करते हैं। मतलब एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स के साथ ब्रीड कराते हैं ताकि हम अच्छा प्रोडक्ट मिल सके, ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिल सके। सर डेयरी फार्म एंड मैनेजमेंट। सो सेकेंड है डेयरी फार्म्स, मतलब मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट, मिल्क से रिलेटेड जो भी एनिमल्स हैं उनका मैनेजमेंट करेंगे स्टूडेंट्स। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मतलब चिकेन्स हो गया, एग्स हो गया, मुर्गीज वगैरह जो भी होंगे स्टूडेंट्स, उसका जो फार्म होगा उसका मैनेजमेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। बी कीपिंग, बी कीपिंग मतलब अब देखो स्टूडेंट्स, हनी जो होता है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेडिकल टर्म में भी और फूड के टर्म में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हनी का। सो हनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फूड में। सो इसलिए क्या करेंगे, बी कीपिंग करेंगे जिसका नाम है एपीकल्चर। बी कीपिंग का सेकेंड नेम होगा एपीकल्चर भी उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स। और है फिशरी। सो जो
फिश होता है स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे लोगों का खाना होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, फिश एक बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट्स फूड प्रोडक्शन में। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड जनरेट करता है फिश, और फिश में बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो फिशरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए। अब कुछ सेकेंडरी नीड्स आते हैं ह्यूमंस के, जैसे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है स्टूडेंट्स, सिल्क प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, सिल्क प्रोड्यूस होता है। तो ये सेकेंडरी नीड है ह्यूमेंस का। पहले तो फूड जो है वो प्राइमरी नीड है, सेकेंडरी पहनने के लिए स्टूडेंट सेरिकल्चर। और लास्ट है वो लैक कल्चर। लैक कल्चर हम देख लेंगे क्या होता है लैक कल्चर। तो यहाँ पे नहीं समझना है आपको लैक कल्चर क्या है, जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो वहां पे आपको ये डिटेल में बताने वाला हूँ कि लैक कल्चर होता क्या है स्टूडेंट्स। इतना है आपको एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ने के लिए। क्या स्टूडेंट्स, इतना आपको एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ना है। तो एक एक करके हम सब देख लेंगे कि क्या क्या है एनिमल हस्बेंड्री में स्टूडेंट्स। पहला हमें देखना है एनिमल ब्रीडिंग। क्या देखना है स्टूडेंट्स, एनिमल ब्रीडिंग। याद रखना है स्टूडेंट्स मेथड्स कौन कौन से, ये पांच मेथड है हमारे फूड के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए, जिसमें से हम पहला देख रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री में इतने वेरियस थिंग्स है स्टूडेंट्स हमें देखने के लिए कि किस तरह से हम अपने फूड प्रोडक्शंस को बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स। जिसमें से अब हम देखने जा रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है। देखते हैं एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है स्टूडेंट्स। पहले समझना है कि एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। क्या होता है एनिमल ब्रीडिंग का मतलब, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एज इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, एनिमल ब्रीडिंग का पहले मैं आपको सिंपल मीनिंग बता देता हूँ। अभी एक एनिमल है समझ लो, जो काउ है वो 3 लीटर्स मिल्क पर डे देती है। क्या देती है, 3 लीटर्स मिल्क पर डे देती है। तो अब हम उसे क्या करेंगे, वो काउ समझो ए ब्रीड की है। क्या स्टूडेंट्स, ए ब्रीड की है, जो सिर्फ, और ए ब्रीड वाले क्या करेंगे, सिर्फ 3 लीटर दूध देंगे पर लीटर। और अगर हमने उसे बी ब्रीड के साथ, समझ लेना है स्टूडेंट्स, अगर हमने उसे बी ब्रीड के साथ, बी ब्रीड वाले क्या करेंगे, बी ब्रीड वाले समझ लो 5 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे देते हैं। तो हमने क्या किया, ए ब्रीड वाले काउ को बी ब्रीड वाले बुल के साथ मेट कर दिया। क्या कर दिया, ए ब्रीड वाले काउ को बी ब्रीड वाले बुल के साथ मेट कर दिया। तो इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा, इसका जो चाइल्ड होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, सी ब्रीड ले लेते हैं, उसे सी ब्रीड ले लेंगे, जिसमें दोनों कैरेक्टर्स होंगे, ए के भी और बी के भी। और क्या हो सकता है कि ये 6 से 7 लीटर, 6 to 7 लीटर्स का मिल्क दे दे स्टूडेंट्स। क्या होता है, 6 to 7 लीटर्स का मिल्क दे दे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रीड किया है, ए और बी का क्या किया है, ब्रीड किया है। तो ये होता है एनिमल ब्रीडिंग स्टूडेंट्स। क्या होता है ये एनिमल ब्रीडिंग, ये हम क्यों करते हैं, ताकि इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि हमें अपने चाहत की क्वालिटीज चाहिए उसमें, अपने चाहत की क्वालिटीज। अब इसमें क्वालिटीज क्या है स्टूडेंट, सी में, कि वो 6 से 7 लीटर मिल्क दे रहा है पर डे। तो ये एक टाइप की क्वालिटी होगी ना, जो हर एक फार्मर चाहेगा कि हमारा काउ जो है वो ज्यादा मिल्क दे स्टूडेंट्स। ये है एनिमल ब्रीडिंग स्टूडेंट्स। एनिमल ब्रीडिंग इज डन फॉर गेटिंग इम्प्रूव्ड ब्रीड विथ डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट एंड टू इंक्रीज यील्ड ऑफ एनिमल्स। डिजायरेबल कैरेक्टर सच एज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ मीट और मैक्सिमम यील्ड ऑफ एग पर ईयर। एनिमल ब्रीडिंग हम किस लिए कर सकते हैं, ताकि हम अपने चाहत की क्वालिटीज को अपने उस एनिमल्स में देख सकते हैं, और हमारे एनिमल्स का जो प्रोडक्ट है वो बढ़ा सकते हैं। हमारे एनिमल्स का कैरेक्टर्स हमें चेंज करना है, हमें अच्छा कैरेक्टर्स वाला एनिमल चाहिए। तो उसके लिए भी हो सकता है कि ये सी वाले में अच्छा कैरेक्टर आ जाए स्टूडेंट्स, क्योंकि ए में कैरेक्टर अच्छा था पर बी में कैरेक्टर अच्छा नहीं था। तो पर हमें सी में हो सकता है अच्छा कैरेक्टर मिल जाए, और 6 से 7 लीटर दूध भी मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, कैरेक्टर्स भी मिल रहा है और प्रोडक्शंस भी बढ़ रहा है ना स्टूडेंट्स। और ये 6 से 7 लीटर के दूध का क्या होगा, क्वालिटी भी हो अच्छा होगा, तो क्वालिटी भी बढ़ेगा स्टूडेंट्स। और
ये तो हो गई मिल्क की बात, और मीट की बात आती तो हम गोट्स को, चिकन्स को भी उसी तरह से मेट करके अच्छे क्वालिटी का मीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ज़्यादा एग पर ईयर हमें मिल सकता है स्टूडेंट्स। सो जो ब्रीडिंग है उसके दो टाइप हैं। क्या स्टूडेंट्स? ब्रीडिंग के दो टाइप हैं स्टूडेंट्स, इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग। क्या स्टूडेंट्स? इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग। तो समझना है अब इन ब्रीडिंग क्या होता है और आउट ब्रीडिंग क्या होता है। तो इन ब्रीडिंग देखते हैं क्या होता है। इट इन्वॉल्व ब्रीडिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स फॉर 4 to 6 generations। समझना है फिर से बात को। इट इन्वॉल्व ब्रीडिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स फॉर 4 to 6 generations। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया है, इन ब्रीडिंग का मतलब ही ये होता है कि हम ऐसे एनिमल्स को ब्रीड करवाएं जो कि पहले से क्लोजली रिलेटेड हो। क्या हो स्टूडेंट्स? पहले से वो क्लोजली रिलेटेड हो 4 to 6 generations के लिए। 4 to 6 generations के लिए वो क्लोजली रिलेटेड थे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे हो, क्या है वो, एक्चुअली वो क्या है, क्या बोलना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अभी ए काऊ बी बुल, इसका ऑफस्प्रिंग्स है स्टूडेंट्स। क्या है इसका ऑफस्प्रिंग? इसका ऑफस्प्रिंग्स है सी डी ई एफ। इसके चार ऑफस्प्रिंग्स है स्टूडेंट्स, ए और बी काऊ और बुल के चार ऑफस्प्रिंग्स, सी डी ई एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे भी हम ब्रीड करते हैं। सी को 1 के साथ ब्रीड करते हैं, डी को 2 के साथ, ई को 3 के साथ और एफ को 4 के साथ। तो हमने इसे ब्रीड कर दिया और इसका ऑफस्प्रिंग आया हमें 2 ऑफस्प्रिंग आया, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स। सो ये हमें ऑफस्प्रिंग आया है किसका, इनका। क्या आया स्टूडेंट्स? इनका ऑप्शन। तो ये था फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? अभी थर्ड जनरेशन का देखते हैं। सेम हम भी इसको मेट कर आएंगे किसी के साथ। तो अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो प्रोडक्ट आएगा, समझ लो यहां पे प्रोडक्ट आ रहा है GHIJ। सो अब हम क्या करेंगे, ये फोर्थ जनरेशन है, अब हम क्या करेंगे, जे को एच के साथ मेट करेंगे। क्या करेंगे? जे को एच के साथ मेट करेंगे, या तो इधर पे यू को आर के साथ मेट करेंगे, एक्स को पी के साथ मेट करेंगे। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये इनब्रीडिंग है। क्या स्टूडेंट्स? ये इनब्रीडिंग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम इनब्रीडिंग बोलते हैं। मतलब जो इनका ये रहना चाहिए, इनका जो स्टार्टिंग ओरिजिन रहना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए स्टूडेंट्स, कि 4 to 6 generation के लिए वो सेम है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे उनका जनरेशन नहीं चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 4 5, ये क्या है, सेम रहने चाहिए स्टूडेंट्स। सो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनब्रीडिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। अभी हो सकता है कि हम यहाँ पे एफ को डी के साथ भी मेट कर सकते थे स्टूडेंट्स, क्योंकि इनब्रीडिंग ही यही होता है स्टूडेंट्स। हो सकता है ई को हम डी के साथ मेट कर दें, एफ को ए सी के साथ मेट कर दे, तो ये होता है इन ब्रीडिंग स्टूडेंट। समझ? सो आई होप आपको ये समझा होगा कि इन ब्रीडिंग क्या है। तो वही आपको देखना है, इट इन्वॉल्व ब्रीडिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स फॉर 4 to 6 generations। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, होमोजाइगोसिटी आपने पढ़ा होगा अपने थर्ड फोर्थ लेसन में। तो होमोजाइगोसिटी क्या होता है? हमारे अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स पे कैरेक्टर शो करने वाले अलील्स होते हैं। क्या होते हैं? कैरेक्टर शो करने वाले अलील्स होते हैं यहाँ पे। तो वो दोनों अलील्स जब सेम हो जाते हैं तो हम बोलते हैं होमोजाइगस है। क्या होता है? होमोजाइगस है। तो वो बढ़ने लगता है। क्या होता है? जब हम इनब्रीडिंग करवाते हैं तो होमोजाइगोसिटी बढ़ने लगता है। हो सकता है कि दोनों क्रोमोसोम्स पे सेम अलील्स आ जाएं स्टूडेंट, सेम कैरेक्टर शो करने वाले आ जाएं। प्योर लाइन्स ऑफ एनिमल कैन बी ऑब्टेंड, और हमें हरदम प्योर लाइन्स ही मिलेंगे स्टूडेंट्स, हमें डिफरेंट एनिमल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम उन्हीं में मेट कर रहे हैं तो हमें प्योर लाइन्स ही मिलने वाले। एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल रेसेसिव जीन्स। अब क्या होगा?
हार्मफुल रिसेसिव जीन होगा जो वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हम बार बार इनब्रीडिंग ही करेंगे तो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स निकल जाए। एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, और नए नए क्वालिटीज के जो जीन्स रहेंगे, सुपीरियर जीन्स रहेंगे, हायर जीन्स रहेंगे, जो अच्छे क्वालिटी जीन्स रहेंगे, वो क्या होंगे, बढ़ने लगेंगे उस एनिमल्स में, रिड्यूसेस द फर्टिलिटी। पर इसका एक ड्रॉबैक है, उसमें डीमेरिट है इसका, कि ये उस एनिमल्स का, उस ऑफस्प्रिंग का फर्टिलिटी डिक्रीज कर देगा। क्या करेगा, उस एनिमल का फर्टिलिटी और प्रोडक्टिव डिक्रीज कर देगा। मतलब वो एनिमल्स 3 to 4 generations के बाद क्या होगा, वो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को बर्थ नहीं दे पाएगा, दूसरे एनिमल्स को नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, वहाँ पे उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, वो दूसरे एनिमल को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा स्टूडेंट्स। सो ये इसका एक डीमेरिट है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं दूसरा टाइप था आउटब्रीडिंग। तो देखते हैं आउटब्रीडिंग क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स। दिस एनिमल्स मे बी ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर बट 4 to 6 generations। अब यहां पे बात को समझना है आपको, आउटब्रीडिंग क्या होता है। आउटब्रीडिंग मतलब अनरिलेटेड एनिमल्स को आप ब्रीड कर सकते हैं, आउटब्रीडिंग मतलब अनरिलेटेड एनिमल्स को आप ब्रीड करवा सकते हैं। और अगर सेम ब्रीड भी है पर तो उनका कॉमन एंसिस्टर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन एंसिस्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी था, ये सब इनका एंसिस्टर्स थे, ये सब क्या थे, इनके एंसिस्टर्स थे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टार ब्रीड को डायमंड ब्रीड के साथ करूँगा, मेट करूँगा, इसके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे कुछ, तो इसके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे और फिर मैं इसके ऑफस्प्रिंग्स को इसके साथ मेट करूंगा। अब यहाँ पे जो एंसिस्टर्स हैं इनके, ओरिजिन है वो अलग है ना स्टूडेंट्स। पर ये भी काऊ है, ये भी काऊ है, पर एंसिस्टर्स अलग हैं स्टूडेंट्स। क्या होगा, हम इन्हें मेट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस, आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग बोलेंगे। या तो हम डायरेक्ट अनरिलेटेड एनिमल्स को ही कर दें, जैसे डोंकी और हॉर्स को मेट कर दें, ब्रीड कर दें, तो वो भी क्या होगा, आउट ब्रीडिंग होगा। क्या होगा, वो आउट ब्रीडिंग होगा स्टूडेंट्स। सो आउट ब्रीडिंग में और भी टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आउट क्रॉसिंग। क्या है स्टूडेंट्स, आउट क्रॉसिंग। तो देखते हैं आउट क्रॉसिंग क्या होता है। ब्रीडिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। सो दूसरे स्पीशीज के एनिमल्स को ही हम ब्रीड कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दूसरे स्पीशीज के एनिमल्स को हम अब ब्रीड कर देंगे स्टूडेंट्स, अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स के लिए दूसरे स्पीशीज के एनिमल्स को हम ब्रीड करेंगे स्टूडेंट्स। दूसरे स्पीशीज में एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हम हॉर्स को डोंकी के साथ ब्रीड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हॉर्स को डोंकी के साथ ब्रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो दूसरा एनिमल हो गया ना स्टूडेंट्स। क्या हो गया, वहाँ पे वो दूसरा एनिमल्स हो गया, तो दूसरे स्पीशीज मतलब हॉर्स दूसरा स्पीशीज है, डोंकी दूसरा स्पीशीज है, ब्रीड भी अलग है स्टूडेंट्स, स्पीशीज ही यहाँ पे चेंज हो रहा है, दोनों अलग अलग एनिमल। अगर काऊ काऊ होता तो ब्रीड अलग होता था, स्पीशीज सेम होता था, बट यहाँ पे स्पीशीज ही सेम होने वाला। याद रखना, आउट क्रॉसिंग में क्या होगा, एनिमल्स के स्पीशीज चेंज होने वाले। तो मैं हॉर्स या डोंकी को मेट करता हूँ तो वो क्या होगा, आउट क्रॉसिंग होगा। क्या होगा, आउट क्रॉसिंग होगा। इट हेल्प्स टू रिमूव इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये क्या होगा, जो भी इन ब्रीडिंग के वजह से हमें खराब कैरेक्टर्स मिले, खराब क्वालिटी मिला है, वो उसे क्या करेगा, आउट क्रॉसिंग उसे रिमूव करेगा। क्या करेगा, रिमूव, क्योंकि उसमें नए क्वालिटीज आने वाले हैं ना स्टूडेंट्स। क्या आने वाले, जब हम आउट क्रॉसिंग कर रहे हैं तो दूसरे स्पीशीज के साथ कर रहे हैं, तो उस स्पीशीज की क्वालिटी ऑफस्प्रिंग में आने वाली है स्टूडेंट्स। सो इससे क्या होगा, जो इन ब्रीडिंग में हमने अच्छे क्वालिटी नहीं मिले थे, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएंगे। देखते हैं दूसरा जो टाइप है वो है क्रॉस ब्रीडिंग। क्या है स्टूडेंट्स, क्रॉस ब्रीडिंग। ब्रीडिंग ऑफ सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ एनदर ब्रीड। सो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा स्टूडेंट्स, हम सेम ब्रीड के यूज करेंगे। क्या करेंगे, सेम ब्रीड्स के एनिमल्स को यूज करेंगे। जैसे काऊ है तो काऊ के साथ ही मेट करेंगे, और मतलब सेम एनिमल्स रहेंगे उसके साथ, तो उनमें भी क्या रहेगा स्टूडेंट्स, उनमें भी जो सुपीरियर मेल रहेगा, उन सब में से ब्रीड में से जो सुपीरियर मेल है, मतलब सबसे अच्छा वाला मेल,
को हम सबसे अच्छी वाली फीमेल से क्या करेंगे, मेट करेंगे, मतलब अच्छे क्वालिटी वाले मेल्स को हम अच्छे क्वालिटी वाले फीमेल्स के साथ मेट करेंगे, ताकि हमें अच्छा क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग मिले, अच्छा डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ ऑफस्प्रिंग हमें मिलने वाला है स्टूडेंट्स। सो अच्छे क्वालिटी ऑफ बुल के साथ अगर हम मेट करते हैं तो हमें अच्छा क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग मिलने वाला है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, न्यू एनिमल ब्रीड ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स आर डेवलप, तो हमें नए टाइप का एक ब्रीड मिलेगा स्टूडेंट्स। क्या मिलेगा, नए टाइप का ब्रीड मिलेगा जिसमें हम जो कैरेक्टर चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स। हो सकता है कि ये दोनों को मेट करने के बाद हमें ज्यादा दूध देने वाला ऑफस्प्रिंग मिले, ज्यादा अच्छे क्वालिटी का ऑफस्प्रिंग मिले स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स, एक हिर्साडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ बीकानेरी ईव एंड मारिनो रैम्स इन पंजाब। तो हिर्साडेल एक न्यू टाइप का ब्रीड है शीप्स का स्टूडेंट्स। सो इसे हमने कैसे बनाया है, इसे हमने बीकानेरी एव शीप का एक ब्रीड है स्टूडेंट्स, उसको हमने ब्रीड करवाया था मरीनो रैम से। क्या किया था, मरीनो रैम्स एक ब्रीड्स में उसे हमने क्रॉस करवाया था, उसे हमने ब्रीड करवाया था पंजाब में। तो हमें एक नया टाइप का ब्रीड मिला था हिर्साडेल। क्या मिला था, हिर्साडेल। याद रखना, आउट क्रॉसिंग में हम स्पीशीज ही चेंज कर दे रहे हैं एनिमल्स, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, स्पीशीज चेंज सेम होगा पर ब्रीड दोनों के अलग होंगे और दोनों सुपीरियर मेल्स और फीमेल होंगे जिसे हम ब्रीड करवाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये याद रखना है। अब देखते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इंटर स्पेसिफिक है ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीशीज। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ब्रीडिंग बिटवीन टू रिलेटेड एंड डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी स्पीशीज में ब्रीड होने वाला है। क्या होने वाला है, स्पीशीज में ब्रीड होने वाला है बट रिलेटेड स्पीशीज। क्या स्टूडेंट्स, रिलेटेड। अभी जैसे हॉर्स और डोंकी है जो, वो थोड़े बहुत रिलेटेड है। क्या है, रिलेटेड है। हॉर्स को भी दो कान, डोंकी को भी दो कान, चार पैर स्टूडेंट्स, दिखने में भी थोड़े बहुत वैसे लगते हैं, बस कुछ कैरेक्टर्स की वजह से स्पीशीज को हमने अलग कर दिया है। तो ये क्या है, थोड़े बहुत रिलेटेड है ना, क्या है, थोड़े बहुत रिलेटेड है। तो इन्हें अगर हम ब्रीड करेंगे और तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो जो म्यूल है, म्यूल मतलब हिंदी में हम खच्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खच्चर बोलते हैं, जिन्हें हम ज़्यादा सामान ढोने के लिए हम इसे प्रोड्यूस करते हैं। म्यूल को क्या करते हैं, ज़्यादा सामान ढोने के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं राजस्थान वगैरह में, डेजर्ट वगैरह में, या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो म्यूल यूज होता था पहले, जिसे हम खच्चर बोलते हैं। म्यूल इज ए ब्रीड ऑब्टेंड फ्रॉम हॉर्स एंड डोंकी। तो हम हॉर्स और डोंकी को ब्रीड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, म्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा, म्यूल मिलेगा, जिसे हिंदी में हम खच्चर बोलते हैं स्टूडेंट्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, क्या होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। अब बात आती है, समझो कोई काऊ है स्टूडेंट्स, कोई काऊ है, वो मेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, काऊ को मेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या तो जो हमें ब्रीड चाहिए, जो बुल हमें चाहिए, वो बुल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। समझो हमें अमेरिकन बुल से हमारे काऊ को मेट करना है, तो हम हमारे काऊ को अमेरिका नहीं ले जा पाएंगे। क्या करेंगे, हम हमारे काऊ को अमेरिका नहीं लेके जा पाएंगे, पर हमें अमेरिकन बुल से ही मेट करना है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे। क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे। सीमेन फ्रॉम सेलेक्टेड सुपीरियर मेल इज कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन फ्रोजन स्टेट एंड इंजेक्टेड इनटू जेनिटल ट्रैक ऑफ इमेज। तो हम क्या करेंगे, उस अमेरिकन बुल का सीमेन कलेक्ट करेंगे, उसे फ्रोजन स्टेट में रखेंगे और हम इंडियन काऊ में आके वो उस सीमेन को क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे इंडियन काऊ के जेनिटल ट्रैक में, ताकि क्या हो जाए, जायगोट फॉर्म होके ऑफस्प्रिंग मिल सके हमें। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का टेक्निक स्टूडेंट्स। आगे है स्टूडेंट्स एक और, मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रॉय ट्रांसफर। क्या स्टूडेंट्स, मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रॉय ट्रांसफर। अब क्या होता है ना स्टूडेंट्स, बहुत सारे एनिमल्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि वो एग तो प्रोड्यूस कर लेते हैं, जायगोट बनाने के लिए एग तो प्रोड्यूस कर लेते हैं, बट क्या होता है, कभी कभार
वो पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं ऑफस्प्रिंग देने के लिए, क्या करने के लिए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं होते, या तो उनमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पहले से ही रहती हैं ताकि वो ऑफस्प्रिंग ना प्रोड्यूस कर सके, और ऑफस्प्रिंग जो रहेगा उनके अंदर ही उसकी डेथ हो जाए। बार बार ऐसा होता है किसी किसी एनिमल्स में। तो हम क्या करेंगे वहां पे, ये वाली टेक्निक यूज करेंगे, मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रॉय ट्रांसफर। अब हम ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा वो एनिमल है वो अच्छे क्वालिटी का है, बस वो क्या कर रहा है, वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है ऑफस्प्रिंग को, तो हम उस एनिमल्स के क्वालिटी को क्यों जाने देंगे। तो हम क्या करेंगे, उस एनिमल्स के ओव्यूल को निकालेंगे, क्या करेंगे, उस फीमेल एनिमल के ओव्यूल को निकालेंगे जिसमें अच्छी क्वालिटी है स्टूडेंट्स, तो उसके ओव्यूल्स को निकालेंगे। और वो ओव्यूल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, हम कुछ हॉर्मोन्स इंड्यूस करवाएंगे उन एनिमल्स में। अभी फीमेल्स में FSH हार्मोन होता है, FSH हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन बोलते हैं जिसे, जो कि ओव्यूल को प्रोड्यूस करता है, जो कि ओव्यूल्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो आप ये पढ़ लेंगे अपने सेकेंड लेसन में कि FSH हार्मोन का और क्या क्या वर्क है। तो ओव्यूल्स 6 से 8 ओव्यूल्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स, 6 से 8 ओव्यूल्स बन जाएंगे फीमेल, जो हमारा अच्छा क्वालिटी का फीमेल है एनिमल है, तो उस ओव्यूल को हम निकालेंगे। और उस ओव्यूल में क्या करेंगे, इंसेमिनेशन टेक्निक से, क्या करेंगे, इंसेमिनेशन टेक्निक या नॉर्मल मेटिंग से क्या करेंगे, मेट करवाएंगे। और फिर जब वो ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाएगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाएगा उस काऊ के अंदर, तो क्या करेंगे, उस ब्लास्टोसिस्ट को निकाल के हम दूसरे फीमेल एनिमल में डाल देंगे, क्या करेंगे, दूसरे फीमेल एनिमल में डाल देंगे। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट ऑफस्प्रिंग में चेंज होगा दूसरे फीमेल एनिमल में, क्या होगा, दूसरे फीमेल एनिमल में ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स। ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो जो हमारा पहला वाला एनिमल था वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी, वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा था, इसलिए हमने ये टेक्निक का यूज़ किया, क्योंकि वो एनिमल्स में अच्छी क्वालिटी थी, तो हम वो क्वालिटी को भी नहीं जाने देना चाहते थे, तो इसलिए हमने ये वाला टेक्निक यूज़ किया स्टूडेंट्स। अभी हम ये ब्लास्टोसिस जिसमें डालेंगे, जिस फीमेल एनिमल में डालेंगे, उसे हम बोलेंगे सरोगेट मदर, क्या बोलेंगे, सरोगेट मदर बोलेंगे उसे। तो सरोगेट मदर का सिर्फ काम यह है कि वो ब्लास्टोसिस्ट को ऑफस्प्रिंग में चेंज करे। सरोगेट मदर का कोई भी कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में नहीं आने वाला है, जो भी कैरेक्टर रहेगा वो फर्स्ट फीमेल का रहेगा, जो फर्स्ट फीमेल थी, और जिसका सीमेन, जो एनिमल्स का सीमेन होगा वो उसका कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप से एनिमल्स को ब्रीड करके अपने हिसाब के कैरेक्टर्स, अपने लिए जो कैरेक्टर्स चाहिए, प्रोडक्शंस हम बढ़ा सकते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, मीट का प्रोडक्शंस बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो ये जो आपने पहला मेथड देखा है एनिमल हस्बेंड्री में, एनिमल ब्रीडिंग था स्टूडेंट्स। तो आपको एम याद रखना है, हमें फूड प्रोडक्शंस को बढ़ाना है, तो हर टाइप से आपको सोचना है कि किस तरह से यहाँ पे फूड प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो हमने देखा कि हम ब्रीड करके उनमें फूड प्रोडक्शंस के कैरेक्टर्स बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शंस के कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा यील्ड दे सकें स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट देखेंगे, क्या देखेंगे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट के साथ।